सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसका सीधा सरोकार है आम जनता से। जी हां, हमारी कोशिश है कि उन समस्याओं को उजागर करें जिसका सीधा संबंध आम जनता से है, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो और इसका फायदा आम लोगों को मिले। आज समय सरोकार में हम बात करेंगे कानपुर की, जहां पर गंदगियों का ये आलम है कि लोगों को सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। कानपुर को लाख स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रयास हो रही हूं, लेकिन धरातल पर ये प्रयास कितने सफल हैं इसकी वानगी कानपुर के गली मोहल्लों के चीख चीख कर स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि कागजों और कल्पनाओं में कानपुर स्मार्ट सिटी बन सकता है, लेकिन वास्तविकता में कानपुर के स्वरूप बिल्कुल इससे अलग हैं। यहां नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके कूड़ा घर तो बनाए हैं, लेकिन कूड़ा कूड़े घर में नहीं, सड़कों, नालियों और नहरों में जाता है। बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन नगर निगम की तरह सिंचाई विभाग ने भी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। नकारेपन का आलम यह है कि बरसात में शहरों में पानी निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यहां पर नहरों में जहां पानी बहता था, आज यहां कई किलोमीटर तक केवल नहरों में कूड़ा कट देखने को मिलता है। और यही नहीं, इस नहर में नगर निगम के कर्मचारी भी कूड़ा डालने से नहीं चूकते हैं, जिसका खामियाजा यहां की रहने वाली गरीब जनता भुगत रही है। तो कानपुर शहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कूड़े से लोग परेशान हैं, लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। हर तरफ जो है वो कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि कूड़ेदान भी हैं, लेकिन यहां पर कूड़ा कूड़े डाल में नहीं डाला जाता है, बल्कि कह सकते हैं कि नालियों में जिस तरह से ये कूड़ा बह रहा है, गंदगी का अंबार इकट्ठा हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज इस प्रोग्राम के जरिए आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से कानपुर में ये गलियां और ये सड़कें जो लबालब हैं कूड़े से, और उनसे जनता कितनी ज़्यादा परेशान है। कानपुर शहर जो कि गंदगी से इस वक्त परेशान है, जगह जगह चौराहों पर कूड़े का अंबार लगा रहता है, लेकिन प्रशासन की हिलाहवाली देखते हुए यहाँ पर जो जनता है, जो कानपुरवासी हैं, वो बेहद परेशान हैं, उनका जीना दुश्वार हो रखा है। तो ये तस्वीरें कानपुर शहर की हैं, जो कि बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरह से प्रशासन की हिलहवाली यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि कानपुर में जो शहरवासी हैं वो इस गंदगी से बेहद परेशान हैं। आए दिन यहाँ पर कूड़ा करकट देखने को मिलता है, और इस गंदगी से वाकई कह सकते हैं कि बीमारियां भी कितनी ज़्यादा फैल रही हैं। और ऐसे में जो
आसपास के लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। कई ऐसे गली, कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर डंपर कूड़ों का पड़ा रहता है, लेकिन नगर निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से इस कूड़े को नहीं उठाया जाता है और कई दिनों तक ये कूड़ा जो है वो सड़ता रहता है, गलता रहता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया जा रहा है। और कानपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बुरा हाल कह सकते हैं कि कर्नलगंज लकड़ मंडी के पास का है, क्योंकि उसके बराबर में ही एक जीजीआईसी स्कूल है जिसकी दीवार से सटा हुआ ये कूड़ा घर है और वहां पर सोचिए आपकी ज्यादा परेशानी होती होगी। लेकिन आखिरकार इन सबका जिम्मेदार कौन है और क्यों यहां पर प्रशासन सुध नहीं ले रहा है, इस पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन आपको ये तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं जहां पर हर तरफ कूड़े का ढेर है, सड़कों पर भी सफाई नहीं है और देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में बरसात में तो और ज्यादा जल भराव हो जाता है, ये जो कूड़ा है वो पानी में बह जाता है और जो नदी है, जो नाले हैं वो बिल्कुल भर जाते हैं और निश्चित रूप से लोगों को आवाजाही में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, बदबू से यहां पर लोग परेशान रहते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी ओर कोई सुध नहीं ले रहा है, प्रशासन भी यहां पर साफ तौर से उसकी लापरवाही देखने को मिल रही है, हीला हवाली यहां पर प्रशासन की देखी जा रही है। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, बदबू से बुरा हाल है और सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं गंदगी की वजह से, बीमारियां क्योंकि बढ़ रही हैं, ऐसे में कोई भी अधिकारी इस ओर सुध नहीं ले रहा है। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, ये प्रश्न लगातार बना हुआ है कि आखिर इसकी सुध कोई भी अधिकारी या नगर निगम की टीम क्यों नहीं ले रही है। कानपुर शहर में लोगों का जीना दूभर हो गया है क्योंकि ये गंदगी का जो अंबार है, जो कूड़े का अंबार है, उससे लोग बेहद परेशान हैं। आए दिन यहां पर गंदगी का अंबार देखा जाता है और नगर निगम की ओर से ये कूड़ा नहीं हटाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हर तरफ कूड़े का ढेर, हर चौराहे पे कूड़े का ढेर देखा जा रहा है, जिससे वाकई आम जनता को आवाजाही में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए ये परेशानी का सबब बनती हुई क्योंकि गंदगी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। कानपुर से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कानपुर की ये बदहाली जो कि साफ तौर से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, आखिरकार यहां पर प्रशासन कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, इस ओर अधिकारी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं, ये गंदगी का अंबार जो हम देख रहे हैं। बंद एसी के अपने बैठे बैठे बंद एसी के कमरों से ध्यान दे रहा है, कागजों में ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करी जाए तो धरातल पर अगर इस गंदगी की बात करी जाए तो बिल्कुल भी कहीं सफाई साफ तौर पर नहीं नजर आ रही है। यहाँ के जो इलाकाई लोग हैं वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहले अगर हम यहीं की बात करें कानपुर शहर की, तो कानपुर में इस वक्त यहाँ बर्रा का ये इलाका है जहाँ की एक ये नहर है, सचान नहर, ये इतनी फेमस कानपुर की नहर होती थी जहां पर यहाँ लाखों की संख्या में मेला लगता था, छठ पूजा होती थी, बड़े बड़े सितारे, फिल्मी सितारे आते थे। लेकिन अगर आज की वर्तमान की स्थिति की बात करी जाए तो लगभग यहाँ पर 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। और अगर नहर की बात करी जाए तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस नहर की एक बार तस्वीर दिखाएं, आप पीछे फ्रेम में देख सकते हैं ये नहर है, यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ नजर आता था, यहाँ मवेशी नहाते नजर आते थे, लोग जो है वो यहाँ पर नहाते धोते नजर आते थे। लेकिन आज की स्थिति है कि आप मीलों दूर अगर देखेंगे तो नहर में आपको सिर्फ कूड़ा देख रहे हैं, यहां जहां पानी बहता था वहां पर साफ तौर पर सिर्फ देख सकते हैं कूड़ा, कूड़ा और सिर्फ कूड़ा है। अगर यहां पे हमारे कैमरे की जो रेंज की अगर बात करी जाए तो हमारे कैमरे की रेंज अभी यहां पर सिर्फ कुछ दूरी तक दिखाई जा रही है, लेकिन यहां से लगभग अगर बात करी जाए तो 4 से 5 किलोमीटर की नहर जो है वो हमने लगातार यहां से देखी है गाड़ियों पर चलकर, तो वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सिर्फ कूड़े के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर उसके बाद बात करी जाए तो ठीक, एक बार देख सकते हैं कि पीछे से वहां पर एक आगे टीन शेड लगा दिया जाता है। टीन शेड का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर कोई भी बड़ा अधिकारी यहां से गुजरे, बड़े अधिकारी के गुजरने के बाद इस नहर पर बिल्कुल किसी की नजर,
नजर पड़ेगी तो जो कागजी कार्रवाई अफसरों को खुश करने की हो रही है कि ये काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वास्तविकता में धरातल पर कितना कार्य हो रहा है, इसको जानने के लिए आज हम इस इलाके में पहुंचे हैं। अगर यहाँ की बात करी जाए तो ये विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि ये नहर भी सरहदों में बंद गई। अगर बात करी जाए तो नहर के उस पार भी बीजेपी विधायक है महेश त्रिवेदी और नहर के इस पार जहां पे मैं अभी वर्तमान में खड़ा हूं सुरेंद्र मैथानी जी, दो विधायक है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करी जाए दो दो विधायक सिर्फ इस सरहद की वजह से यहां पर रुके हैं और सिंचाई विभाग की नहर है, यहां कोई काम नहीं होता है। हमने प्रयास किया कि आज हम सारा लोगों के बीच में जाकर कैसी ये नरकीय देख सकते हैं, सारे लोग मजबूर हैं, कैमरा अपनी व्यर्थ हम करेंगे सर। क्या लोगों को ना करना कौन यहाँ पे रह रहे हैं, ये जो नरकीय जीवन जी रहे हैं आप करेंगे कि उनकी देख रेख में संज्ञान में बात है और वो प्रयास भी करते रहते हैं। उन्होंने विधानसभा में इस बात को भी उठाई है ना में, लेकिन समस्या और तत्काल आते हैं ये बात नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें पाइपलाइन बिस्तर के पड़े हुए नीचे बाहर से सुअर कुत्ते जानवर सारे फंस जाते हैं, बार सफाई कर्मियों को बुलाना पड़ता है, कुछ लोग चंदा देकर हम लोग उठवाते हैं, कुछ लोग पैसा खर्च करके उठवाते हैं जब आते हैं। लेकिन संज्ञान में मानेश्वरन मथानी जी के संज्ञान में जो बात होती है आपके बात बिल्कुल सही है, माननीय है विधायक जी है, लेकिन अगर ये समस्याएं जो आप अभी बता रहे हैं उन्होंने प्रयास किया तो प्रयास ये असफल कैसे नजर आ रहा है, अगर ये भी दिक्कतें हैं काफी समय से उन्होंने विधानसभा में बात उठाई है नरिया नारके पक्का करने के लिए, पुल ऊंचा करने के लिए विधानसभा में उन्होंने बात उठाई है। ये साधारण मुद्दा नहीं है, छोटा मोटा प्रकरण नहीं है क्योंकि पेंशन की लाइन पीछे नीचे पड़ी हुई है, अगर कूड़ा और जानवर फंस जाते हैं इसमें पूरा इस समय 3 किलोमीटर यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर फटा हुआ है। आप स्वयं देख लें कि नहर के ऊपर पानी है, नहर के ऊपर पानी बह रहा है और पानी के ऊपर ये घास जमी हुई है, ऊपर से देखने वाला कोई ये नहीं कह सकता कि नहर पानी बह रहा है। हमारे बीच में कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक महिला है, ज्यादातर पुरुष जो होते हैं वो घर के बाहर होते हैं, कमाने का जिम्मा होता है, लेकिन महिलाओं के ऊपर घर परिवार को एक निभाने की जिम्मेदारी होती है, तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही है? अरे यहाँ भैया बहुत सालों से रहते हैं लेकिन ये नहरिया अभी तक तो साफ रहते थे, रात 2-3 साल से इतनी गंदगी हो गई, इतना जानवर इतना बीमारी, बच्चे बाहर खेलने में मुश्किल पड़ जाता है। आप लोगों ने कभी यहाँ चुनाव के बाद से क्या कोई अधिक या नेता आप लोगों से आई आपने शिकायत करने का प्रयास किया? जब चुनाव होता है जब हाथ पर जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जब चुनाव हो जाए तो कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता तो किससे शिकायत करें, कोई यहाँ आता ही नहीं है। इन इस जो गंदगी है इसकी वजह से क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्या बीमारी वगैरह यहाँ फैली? बच्चों की इतनी बीमारी हो जाती है, बच्चों को अस्पताल ले ले भागो, हम लोग उल्टी हो जाती है, बीमारी हो जाती, जानवर थक जाता है, सुअर जानवर गैया बच्चा सब इसमें डाल जाते हैं, इतनी गंदगी हो जाती है, बाहर निकलना बैठना मुश्किल है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों, अभी कुछ लोग हमारे बीच में यहाँ पर और हैं, ये हमारे बीच में एक युवा वर्ग है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपके नजरिए से ये जो समस्या है किस एंगल पर देखते हैं आप? ये मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ये लापरवाही का प्रकरण है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो कांटी में लगे रहते हैं, इनकी एप्लीकेशन पड़ी है, सिंचाई विभाग के अधिकारी से वैसे में बैठ के काम करते हैं, ये उठ करके और जमींदार धर पर काम नहीं करने का, ये पूरी जिम्मेदारी अगर नहर बंद है तो फिर मैं ये अधिकारियों पे जिम्मेदारी पूरी देता हूँ मैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इतने जागरूक लोग हैं, आप लोग आपको परेशानियों का सामना कुछ करना पड़ रहा है आपको, तो आप सारे लोग एक साथ क्यों नहीं जाते अपनी व्यथा, क्योंकि जो दिक्कतों का सामना करना है एसी पे बंद जो अधिकारी बैठ के काम कर रहे हैं उनको नहीं सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें आपके परिवार को, आपके घर परिवार को, बच्चों को, आपको, इन सब को हो रही है, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा ना यहाँ। मैं 2 बार एप्लीकेशन स्वयं दे के आया हूँ, अधिकारी बोलता है कि मैं आता हूँ, जय आता है जय देख के यहाँ पर चले जाते हैं, और इसमें और होने से अधिकारी चाहे तो ये सब हो सकता है, अधिकारियों की मैं बात करता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ के लोगों का कहना है, हमारे बीच में कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, एक यूथ है, एक बच्ची है, इससे बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान थोड़ा सा तेज बोलिए। मुस्कान मुस्कान आप पढ़ाई करती हैं? किस क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? बीएससी। आप यहाँ कब से रह रही हैं और यहाँ पर ये माहौल देखकर क्या आपको पढ़ाई में कोई असुविधा होती है या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
सर ये बात है, यहाँ पे इतनी गंदगी तो अभी 2-4 साल से ही हुई है, इससे पहले नहीं थी यहाँ पे इतनी गंदगी, 2-4 साल से हुई है। और इस टाइम मतलब कि कोई भी आता है यहाँ पे, कोई भी आते हैं हमारे यहाँ से फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो उनको यही लगता है कि यहाँ गंदगी, इतनी गंदगी है, तो उन्होंने आना भी छोड़ दिया। और जो भी रिलेटिव्स आते हैं वो भी आकर यही बोलते हैं ये नाला है, पूरा नाला है। और फिर ये गंदगी इस वजह से भी होती है कि बाहर के लोग निकलते हैं जो रोड से, वो भी इसमें ही कूड़ा डाल के जाते हैं, वहां से निकलते हुए सारे लोग इसमें ही कूड़ा डालते हैं। और जब से ये पाइपलाइन पड़ गया ना, इसकी वजह से भी, और ये कूड़ा नहीं निकल पा रहा है। तो किन किन समस्याओं का इसकी वजह से आपको सामना करना पड़ता है? बीमारी की अगर बात करिए, एक यूथ हो, आपके नजरिए से क्या इस समस्या का कैसे निवारण होना चाहिए? बीमारी तो यही है कि बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं आजकल, क्योंकि एक मक्खियां और बहुत सारे मच्छर भी आते हैं इससे, मच्छरों से तो फिर बीमारी होती है। और इतनी बार यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि गंदे गंदे जानवर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्मेल होती है, स्मेल आएगी तो भाई बीमारी तो होनी है आम बात है। साफ तौर पर खाना पीना खाने से लेकर सब चीजों में दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक यूथ है, इसका भी ये कहना है कि हमारा फ्रेंड सर्कल तक यहाँ पर आने से बिल्कुल कतराता है, क्योंकि यहाँ की स्थिति और परिस्थितियां जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बयां कर रही है कानपुर की, ये कि जो स्थिति है यहाँ पर अनुराग, बद से बदतर है, बदहाली है यहाँ पर, विकास सिर्फ कागजों में दिख रहा है, धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो वाकई कितनी ज्यादा गंदगी फैला रही है कानपुर सिटी में, वो हम तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपके पीछे जो नदी है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ मौजूद है, उनसे पूछिए कि चुनाव से पहले जो बड़े बड़े राजनेता इनसे वोट की अपील करने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, क्या उनसे इन्होंने कभी ये मांग नहीं की है कि जो आपके पीछे नदी है इसे साफ कराया जाए? क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आप तो वहां सामने से देख रहे होंगे कि जो कूड़े का अंबार है वो कितना ज्यादा गंदा है। बिल्कुल पूजा, हम बात करने का यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे प्रयास करेंगे। एक यहाँ के देखिए स्थानीय दुकान है, यहाँ से जो भी जितने लोग हैं गुजरने वाले हैं वो भी स्थानीय है, दुकानदार है, हम इससे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं जब कभी भी देश की या किसी नगर की या गली मोहल्ले की स्थिति को बदलना हो तो आप किसी दुकान पर बैठे, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो कोई परचून की दुकान हो, वहां से जो स्थितियां हैं वो ज्यादा बेहतर निकल कर आती है, क्योंकि एक ये चर्चा का केंद्र होती है ये दुकानें। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, दुकानदार है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है और यहाँ पे लगभग 1 साल गंदगी ज्यादा है, और यहाँ पे एक BSNL की लाइन पड़ी हुई है जो नीचे है, और पुल के नीचे काफी सफाई नहीं हो पाई है, इसके कारण कूड़ा फंस जाता है। और स्वाइन फ्लू के चलते इस बार यहाँ पे कई जानवर फंस रहे हैं, जैसे सुअर वर सब फंस रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत दिक्कत है। आए दिन जानवर फंसते हैं, नगर निगम को फोन किया जाता है तो अनसुना करते हैं, काफी लेट यहाँ पे जानवर उठता है, और यहाँ के क्षेत्रीय जनता को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, मतलब कि नरकी जीवन जीने में मजबूर है। ये कार्रवाई होनी चाहिए, और काफी पहले तो इसकी सफाई होनी चाहिए, BSNL लाइन हटा के और नीचे से नहर के नीचे काफी सफाई होनी चाहिए ताकि कूड़ा आराम से जा सके, और हर पुल के नीचे एक एक जाल लगना चाहिए ताकि कूड़ा पुल क्रॉस ना कर पाए, और पता चल जाएगा कि कहाँ किस लेवल पर कूड़ा, उसमें कार्रवाई करी जाए, कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जो बाहरी लोग कुत्ते फेंकते हैं और कूड़ा फेंकते हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, गंगा सफाई में करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, पर यहाँ सफाई देखिए कितनी गंदगी है, और नगर निगम अधिकारियों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे तुरंत सफाई की जाए। अगर बात करी जाए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याओं की, क्योंकि जिस हिसाब से मैं खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे यहाँ पर इतनी देर से खड़ा हुआ, यहाँ की जो दुर्गंध है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आप यहाँ पर दुकानदार हैं, आप प्रॉपर यहाँ पर दुकानदारी करते हैं, लोग आते जाते हैं, इन समस्याओं का सामना आखिर कैसे करते हैं आप? अभी अप्रैल में कूड़ा मेरी दुकान के सामने तक लगा हुआ था, तो लगभग 6 से 7 जानवर मैंने व्यक्तिगत फोन करके माननीय विधायक सुरेंद्र मछानी जी के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से 6 जानवर मैंने 3 दिन के अंदर उठाए। इतनी ज्यादा बदबू थी कि कस्टमर आने तक मैं कतराता था, गली में घुसने में कतराता था। इसके बाद कूड़ा आगे बढ़ता गया, सफाई नगर निगम की हम देखी हुई, कूड़ा आगे बढ़ता गया, अब आगे जानवर फंस रहे हैं, आगे जाना फंस रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी बदबू कम है, पर आप आगे जाकर देखेंगे तो नगर निगम के अधिकारियों की अगर क्षमता है तो 10 मिनट यहाँ पे खड़े होकर दिखा दीजिए, आप सफाई करने के बाद आप कराइएगा चाहे मत कराइएगा, आप 10 मिनट अपने एसी कमरे निकल के आप खड़े होकर दिखाइए। बिल्कुल, यहाँ लोगों का ये कहना है कि एसी कमरे से बंद होकर सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारी है यहाँ के, स्थानीय जो इलाकाई लोग हैं इनका कहना है, एक यूथ हमारे साथ यहाँ पर है, हम इससे बात करना चाहूंगा। यार एक बात अगर यहाँ की करिए, तुम युवा हो, तो आप ये बताइए, यहाँ आप ये जो देखते हैं चलते फिरते आ रहे हैं जा रहे हैं, कैसा आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है? जिंदगी बहुत बदबू आती है यहाँ, बदबू आती है, और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
देख सकते हैं साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी भी ये कोसों दूर है। यह बच्चा भी यहाँ पर देखिए आ रहा है, यहाँ पर किस तरह के हालात यहाँ पर होते हैं। और सारी समस्याओं की अगर बात करी जाए तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, क्योंकि इस जगह की अगर बात करी जाए तो एक नहीं यहाँ पर ये जो चौराहा है कानपुर का, ये सचान चौराहा है, इस चौराहे की एक विशेषता है कि ये जो नहर है ये दो सरहद, एक तरह से कह सकते हैं कि नहर ना होके एक सरहद है। नहर के उस पार की अगर बात करी जाए तो विधायक यहाँ पर लगते हैं दूसरे, यानी कि है दोनों भाजपा से ही विधायक, महेश त्रिवेदी का वो इलाका लग जाता है नहर के जस्ट इस पार। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि कई किलोमीटर की दूरी, महज चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर दो सरहद लग जाती है। और इसके बाद दो दो विधायक होने के बाद भी अगर बात करी जाए तो यहाँ के जो लोग हैं किस तरह से नरकीय जीवन जी रहे हैं। देखिए अनुराग, ये तस्वीरें वाकई कह सकते हैं कि बदहाली की है, जो की कानपुर की स्थितियां दिखा रही है। विकास सिर्फ कागजों में है, धरातल पर कुछ और ही दिख रहा है। कई बार यहाँ पर शिकायतें भी ये तमाम लोग जिनसे आप बातचीत कर रहे थे वो कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि सुना, इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि प्रशासन पर अगर हम कहें कि सिर्फ प्रशासन ही यहाँ पर ये गंदगी नहीं उठा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी गलत होगा, क्योंकि आम जनता का भी उतना ही हक है, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। क्योंकि अभी आप जिनसे बातचीत कर रहे थे वो कह रहे थे कि लोग नहीं मान रहे हैं, इसी नदी में कूड़ा फेंकते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को भी यहाँ पर जागरूक होना चाहिए। अनुराग, बिल्कुल इस विषय पर भी पूजा हमने जब जनता से बात करने का प्रयास किया, जनता का भी साफ तौर पर कहना है कि जब कोई साफ जगह होती है तो उसको और भी स्वच्छता से रखा जाता है। इनका लगातार ये प्रयास रहता है कि हम इन जगहों को बिल्कुल साफ करके रखें, लेकिन वर्तमान में अगर बात करी जाए तो सिंचाई विभाग के साथ साथ नगर निगम की भी उतनी गलती है, क्योंकि ये इलाका अगर यहाँ पर नहर में गंदगी नजर आ रही है तो साफ तौर पर कहते हैं कहावत कही गई बहती गंगा में हाथ धोना, वही प्रकरण वही कहावत यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर गंदगी होती है तो जो स्थानीय यहाँ के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो जो भी कूड़ा इलाकों से समेटते हैं बटोरते हैं वो आकर जो भोर का समय होता है वो इसी नहर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो कूड़े की संख्या वो घटने की जगह बढ़ती जा रही है। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे कि अब एक प्रोजेक्ट करोड़ों की लागत से तैयार किया जाएगा, कूड़े से बिजली का उत्पादन होगा, बहुत सारे दावे थे, लेकिन वादों और इरादों का यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर पतीला नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं से किसी तरह से लोगों को यहाँ पर निजात नहीं मिल रही। हम एक बार फिर प्रयास करेंगे, देखिए हमारी बातें सुनकर सारा समय का कैमरा देखकर एक घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो भी घर से बाहर निकलकर यहाँ पर आ गए, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? अंजू। माता जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं और ये जो नरकीय जीवन है किस तरह से आप रहते हैं? 40-45 साल से रहते हैं, एक सिक्का डालता है तो निकाल लेते थे बच्चे। आज ये हाल है कि लोग अनजान आदमी आते हैं नहर से क्रॉस करते हैं तो वो 7 दिन में पार होते हैं। ये हाल है कि अंदर अगर दरवाजा बंद करके रोटी न खाई तो मर जाए, रिश्तेदार आना बंद कर दिए यहाँ यहाँ का, आते जाते कूड़ा ऐसा फेंकते हैं कि मोटरसाइकिल से लाते हैं, वहाँ देखो तो रिक्शा में भर के ला रहे हैं, आगे 3 सीट लगाए दे यहाँ कि यहाँ कोई अधिकारी न देखे। अगर गाड़ी आई, बहुत नेता से कहो तो गाड़ी आएगी, तो यहाँ 11 बजे गाड़ी कूड़ा की आएगी और खड़े रहेंगे, एक चौंगा निकालेंगे, फोटो भेज देंगे कि हमने कूड़ा निकाला। कूड़ा निकालते नहीं है, अब जो वो निकालते हैं तो यहाँ जमा कर देते हैं, अब यहाँ ना बच्चे निकल पाए अब ना बड़े खड़े हो पाए, तो कब तक दरवाजा के अंदर बंद रहे? ये सरकार से पूछी जाए कि ये दरवाजे कब तक बंद रहेंगे? हम लोग के पैसा है कि जो हम डॉक्टर के जाएं, हम लोग बीमार पड़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे डॉक्टर के पास, कौन देखेगा? इतना बदबू यहाँ पर है कि इतना, मतलब आते जाते लोग मुंह कपड़े एकदम बांध के मुंह में कपड़े तब निकलते हैं, इतना बुरा हाल है यहाँ। यहाँ हम कुर्सी डालेंगे, चारपाई डालेंगे, कोई अधिकारी के बुला करके यहाँ 1 घंटा बैठाओ, उनको चाय नाश्ता हम ला के देंगे, तब जाने हम कि हाँ ये बैठ सकते हैं। वो बीमार हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, उनके पास पैसा इलाज कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ भाग के जाएं? सरकार जब बना के दिया है किसी तरीके से हम लोग गुजारा करते हैं, ये नरक जो डाला जाता है दुनिया से लाके, इसको नहीं सरकार को देखते हैं? नहर के अंदर से 3 पुल डाल रहे हैं पाइप लोहे का, तो वो पाइप डाल दिए हैं, वो पाइप से आगे कूड़ा नहीं बढ़ता है और कूड़ा वाले निकालने नहीं आते, बहुत दबाव डालो तो
आएंगे 11 बजे यहाँ खड़ी कर देंगे गाड़ी, आराम से बैठेंगे। देखिए अनुराग, सुन रहे हैं हम इनकी परेशानी कि कितनी ज्यादा यहाँ पे निश्चित रूप से कानपुर वासियों की परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं। और बड़ा सवाल यही है कि ये जो लोग यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, जो कि बदबू में रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, ये एक बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसकी ओर सुध क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर किस वजह से इस कूड़े के डंपर को हटाया नहीं जा रहा है, इस नदी को आखिर साफ क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। आपने वो टीन शेड दिखाया कि किस तरह से जब कोई अधिकारी वहां से निकल जाता है तो उन्हें टीन शेड के इस साइड वो कूड़ा नहीं दिखता है। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे इनसे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद समस्याओं की ओर कोई नहीं देखता है। ये तमाम सवाल बने हुए हैं। हम आशा कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए समय सरोकार में जो जनता की समस्याएं हमने दिखाई हैं वो सभी ने देखी होंगी और अब इस डंपर को साफ किया जाएगा। गंदगी से फिलहाल कितना ज्यादा कानपुर शहर परेशान है ये तस्वीरों में हमने साफ तौर से देखा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए, ये पूरी खबर जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और समय सरकार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, सहारा प्रणाम।